नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झक्कास कहानी में। मैं आपके मनोरंजन के लिए फिर एक कहानी लेके आई हूँ जो लिखी थे प्रीति सक्सेना की। हाय रे किस्मत, दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया, भूख भी जोरों से लगाई। दिनू थक कर चूर हो गया, रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे पैडल मारता आखिरी अपने घर तक पहुँच ही गया। पति को आता देख रमा जल्दी से अपनी खोली से निकल आई, बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिए, अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछ दीनू आतुरता से बोला, क्या पकाया जग्गू की माँ? मूंग की दाल और रोटी। रोटी का डब्बा खोलते हुए रमा बोली, जल्दी से रोटी डाल दे थाली में, बहुत जोर से भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल दे थाली में, साथ ही खा लेते हैं। सादा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि दीनू बे औलाद है, पर ब्याह के बाद उसका बेटा जग्गू मुंबई चला गया कुछ काम करूंगा कहकर। किसी ने सुना कि उसका बेटा भी हो गया, पर लौट कर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। दीनू और रमा बूढ़े होते जा रहे थे। साइकिल रिक्शा चला कर अपना और बीवी का पेट भरता आया था अब तक, पर अब कमजोर देह मेहनत नहीं कर पा रही थी, थकने लगा था बहुत। पहले रमा भी घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब तो वो कमजोर हो चुकी थी, चलते चलते चक्कर आ जाते थे उसे, तो दीनू ने उसे मना कर दिया कहीं भी जाने से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बूढ़ी हड्डियां ठंड से अकड़ सी गई, घर में खाने को कुछ ना बचा। हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला कि कुछ तो मिलेगा जिससे पेट भर जाएगा दोनों का। रमा कई दिनों से बीमार पड़ी थी, रोटी नसीब नहीं तो दवा कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर वहाँ भी उसे कोई आराम न मिला। सुबह दिनू सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला, अचानक सीने में जोर सा दर्द उठा और एक हिचकी के साथ उसका दम निकल गया। उधर रमा को खांसी के ठसके पर ठसके लग रहे थे, अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसके भी प्राण निकल गए। खुशकिस्मत है दोनों साथ साथ परलोक सिधारे, अब ना भूख की चिंता ना दवा की, सारी चिंताओं से मुक्त पा गए दोनों। लोग दीनू को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वह अस्पताल में रमा आंखें खोले दरवाजे की ओर देख रही, शायद उसे पति का इंतजार था या शायद बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। क्या कहेंगे दोस्तों, अरे कलयुगी औलादो, कुछ तो शर्म करो, माता पिता का इस तरह से तिरस्कार तो मत करो। इनकी दुआओं में बहुत ताकत है, इनका सम्मान करो। थैंक यू।